हेलो फ्रेंड्स, सुबह की जल्दबाजी में अगर आपको कुछ हल्का फुल्का हेल्दी नाश्ता खाने का मन कर रहा है तो आज मैं आपके साथ ब्रेड और लौकी से बने हेल्दी नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है और खाने बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो देर किस बात की, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 स्लाइस ब्रेड ले लिया। यहाँ पर मैंने वाइट वाला ब्रेड लिया है, आप इसका नाश्ते को ब्राउन ब्रेड से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने फ्रेश लिया, आप चाहें तो बचे हुए ब्रेड जो 1-2 दिन के होते हैं उससे भी बना सकते हैं। सारे ब्रेड को यहाँ पर रफली तोड़ लेंगे। देखिए, इसको तोड़ लिया, अब मिक्सी जार लेंगे, सारे तोड़े हुए ब्रेड को इसके अंदर डाल देंगे और कवर लगा के इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, तो इस तरह ब्रेड क्रम बन के रेडी हो गया है। इसी तरह का रहना चाहिए। अब इसको रखेंगे साइड में। यहाँ पर एक छोटा सा लौकी ले लिया है और इसको कट कर लेंगे। इसे हम लोग तो लौकी बोलते हैं, आप इसे क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, बड़े पार्ट्स को ले लेंगे, छोटे वाले को रख लेंगे, उससे कुछ और बना लेंगे। और यहाँ का नीचे का पार्ट्स को काट देंगे और इसका छिलका हटा लेंगे। तो देखिए, इसको अच्छे से छील के मैंने धो लिया है। यहाँ पर एक ग्रेटर लेंगे, बारीक ग्रेटर से इसको बारीक ग्रेट करना है। तो देखिए, इसी तरह मैंने बारीक ग्रेट कर लिया है। वज़न में देखिए ग्रेट के बाद 200 ग्राम होगा। अब यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, और इसके जगह लाल मिर्च डस्ट भी डाल सकते हैं, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर, 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला और 1/2 छोटी चम्मच मैगी मसाला डालेंगे। 1 प्याज को बारीक काट लिया है और 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक काट लिया। मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं थोड़ा कम कर लीजिएगा। 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे और 1/2 कटोरी बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती सब इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे अगर अदरक नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। सारे को मिक्स दे देंगे। तो देखिए, सारा मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे 2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे, उसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। ये डालने से हमारा नाश्ता क्रिस्पी बनेगा। और जो ब्रेड क्रम बनाया था ना, बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम डाल देंगे। डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे, जो इसमें कद्दू का मॉइस्चर था ना, उसी में इसका अच्छा सा डो तैयार हो जाएगा। तो देखिए, एक अच्छा सा डो तैयार हो गया। यहाँ पर अगर आपका गीला ज़्यादा लगे 2 चम्मच चावल का आटा और डाल सकते हैं। अब यहाँ पर 1 चम्मच तेल गर्म कर लिया, इसमें तड़का लगाएंगे, 1/2 चम्मच राय, 1 चम्मच भर के काला तिल और थोड़ा सा यहाँ पर धनिया पत्ती डालेंगे। अगर करी पत्ता है तो ज़रूर से डालिएगा, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है नाश्ते में। और इस तरह से तड़का डालने से हमारे नाश्ते का टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है। तिल डालने से हमारे नाश्ते में क्रंचपन आ जाता है। तो देखिए, इसी तरह सारे को मिक्स कर दिया, अब साइड रखेंगे। 1 प्लेट लेंगे, ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे कि बाद में नाश्ता निकालने में आराम से निकल जाए। अब सारे मिश्रण को इसके अंदर डाल के अच्छे से फैला लेंगे। शेप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, मैंने इस तरह कर लिया है। अब किनारे चिकना कर लेंगे। अब इसको लेके चलते हैं गैस की तरफ। गैस में मैंने एक कढ़ाई पहले ही चढ़ा दिया था, एक स्टैंड डाल दिया, इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया। पानी हल्का सा बॉयल आ जाएगा तो प्लेट को इसके अंदर केयरफुल्ली अच्छे से डाल लेगा, इसको कवर कर देंगे और सिर्फ मीडियम आंच पे इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद मैंने कवर हटाया, देखिए ऊपर ड्राई निकल रहा है, यानी अच्छे से स्टीम हो गया। टूथपिक डाल के देखेंगे, देखिए ड्राई निकल रहा है, तो अच्छे से स्टीम हो गया। इसको केयरफुल्ली निकाल लेंगे। अगर आप टूथपिक डालें और उसका ड्राई नहीं निकले तो 1-2 मिनट आप और उसको स्टीम कर सकते हैं। अब चाकू लेंगे, किनारे ऑयल लगा के इसको शेप आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं इस तरह स्क्वायर में काट रही हूँ। इसे बना के आप इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रीज़र में रख दें। जब भी आप सुबह खाने नाश्ता में खाने का मन करे या बच्चों के लंच बॉक्स में देना रहे, निकालें, शैलो फ्राई या डीप फ्राई करके बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे एक पैन चढ़ा दिया, इसमें 1 छोटी चम्मच ऑयल डालेंगे, क्योंकि आज हेल्दी तरीके से नाश्ता बना रही है। ऑयल को अच्छे से सब में फैला देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा सारे नाश्ते को डाल देंगे, जितना एक दफ़ा आ जाए। मीडियम आंच पे इसको उलट पुलट करते हुए दोनों तरफ प्यारा सा गोल्डन कलर आने लगेगा, तब तक इसको फ्राई करना है। इसको नाश्ता को तैयार करने में यहाँ पे 3 से 4 मिनट लग जाता है। तो देखिए, इसको उलट पुलट करते हुए इसमें प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है, यानी कि हमारा नाश्ता क्रिस्पी फ्राई हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे प्लेट पे। इसे आप सुबह शाम के नाश्ते में या बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए या बच्चों की जो छोटी मोटी भूख लगती है, जो बाहर से मंगवा के खाना चाहते हैं वो तो हेल्दी नहीं रहता, आप इस तरह से बना के बच्चों को खिला सकते हैं। 5 मिनट में बन भी जाता है और हेल्दी भी रहता है। आई होप आज के नाश्ते की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा सा भी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।